कालाढूंगी से खबर है जहां आगामी त्योहार दीपावली के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आया। एसडीएम रेखा कोहली के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान द्वारा मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों से खोए का सैंपल लिया गया और सिलेंडर भी जब्त किया गया। एसडीएम ने बताया कि उनके द्वारा सभी दुकानदारों को साफ सफाई रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि मिलावटी मिठाई और खाद्य पदार्थों की आमद रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान दीपावली तक चलाया जाएगा और खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। कालाढूंगी से मुकेश शिवाल की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन हमारा शुरू हो गया तो उसी के मद्देनज़र हमारे द्वारा आज पूरे मार्केट में जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं और जहाँ पर हमारा थोक में जो सामान आ रहा है, मावा हो गया, स्वीट्स हो गई, इसके अलावा जो हमारे सिलेंडर्स हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा कुछ जिसमें 3 सैंपल लिए गए हैं और एक डोमेस्टिक सिलेंडर सील किया गया है। और जो जहाँ भी हम लोगों ने कार्रवाई करी है तो लगातार वहाँ हमारे पूर्व में भी कार्रवाई हो रही है और आज जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके जो हम देख रहे हैं कि जो पहले कार्रवाई करी थी उसका असर है, तो इतने थोड़ा साफ सफाई भी है और लगातार जो हमारी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है उसमें आज हमें बहुत कम मिला है और लगातार हम लोग इसको त्योहारी सीजन तक जारी रखेंगे। दिवाली त्यौहार को लेके फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत आज कालाढूंगी में आपका जो नया टी पॉइंट है आपका नए गांव में, वहां पर हम सुबह 9 बजे से ही वाहनों की जो सप्लाई होती है यहां पे माल की, उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे। तो उसमें एक गाड़ी में मावा 1 क्विंटल पाया गया जिसका सैंपल लेके कार्रवाई की गई और दूसरा रिफाइंड तेल का एक सैंपल लिया गया वहां से। इसके अलावा अभी वर्तमान में एसडीएम मैडम के सर में पूरे मार्केट की जो मिठाई की दुकान की जाँच पड़ताल की गई और वहाँ अभी 2 दुकानों से मिठाई के 1 खोआ का सैंपल लिया गया और साफ सफाई के लेकर निर्देश दिए गए और कोशिश की जा रही है कि सभी को जागरूक भी किया जा सके और जो लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। विभाग ये कार्रवाई दीपावली तक निरंतर जारी रखेगा।